बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 12 केमिस्ट्री हमारी जो है लेक्चर नंबर आज 79 है। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन हमने पढ़ने हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, क्योंकि आपको हम ऑलरेडी अल्कीन्स के मुतल्लिक पढ़ चुके हैं कि ये रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी इसके अंदर डबल बॉन्ड की वजह से और मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं उसे। केमिकल रिएक्शंस, अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डबल बॉन्ड आर ईजिली अवेलेबल फॉर रिएक्शन। दीज कंपाउंड हैव द टेंडेंसी टू रिएक्ट रेडिली बाई एडिंग अदर आइटम्स टू बिकम सैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक टेस्ट योर सेल्फ वन का आंसर है। एज ए रिजल्ट द डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इन टू सिंगल बॉन्ड दैट इज मोर स्टेबल, थस एडिशन। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी शुरू हो रहा है और टेस्ट योर सेल्फ 3 भी। एडिशन रिएक्शन आर द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड। दीज आर द रिएक्शन, ये डेफिनेशन है एडिशन रिएक्शन की। दीज आर द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट आर फॉर्म बाई द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स लाइक H2 हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस ETC टू एन अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन द प्रोसेस वन ऑफ द बॉन्ड ऑफ द डबल बॉन्ड गेट ब्रोकन एंड टू न्यू सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म। यहाँ तक 11 शॉर्ट क्वेश्चन और टेस्ट पेपर 3 का आंसर है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन का मतलब है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ मॉलिकुलर हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल प्लाटिनम टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। ये जो है इथीन का फार्मूला है, ये हाइड्रोजन है गैस का मॉलिक्यूल है, ये निकल है, ये 250 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर है, ये इथेन बन गया। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल दिस रिएक्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू मार्जरीन बनस्पति घी। अब जो है जो वेजिटेबल ऑयल होता है, याद रखें इसे मार्जरीन बनता है यानी बनस्पति घी बनता है, और जो एनिमल ऑयल होता है एनिमल फैट होता है एनिमल्स के जो उसमें से ऑयल निकलता है उससे जो है आपका बटर बनता है। अब जो है ऑयल प्लस H2O निकल मार्जरीन बनस्पति घी, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन उसमें हम देखते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन हम पढ़ चुके हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ज़्यादा आपको रिएक्शन मिलेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन के। तो यहाँ भी जो है आपको ब्रोमीन का रिएक्शन मिल रहा है, इससे क्या होगा ब्रोमीन वाटर, इससे ब्रोमीन वाटर का एक टिपिकल कलर होता है रेड ब्राउन कलर, जब वो जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड किया जाता है तो उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है। आइए हम देखते हैं बुक की तरफ। हैलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हैलोजन लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हेन ब्रोमीन वाटर अ सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर हैविंग रेड ब्राउन कलर इज एडिड टू इथीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड इट्स कलर इज डिस्चार्ज एट वंस। फौरन एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगी, डाई ब्रोमो इथेन बन जाएगा। ये जो है इथीन है, ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ तक आंसर है। अब यहाँ से ये वर्ड्स भी लिखने हैं आपने, यहाँ तक जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 में, 17 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से शुरू हो रहा है। इन द रिएक्शन डबल बॉन्ड ऑफ द इथीन इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन। दिस रिएक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ तक ख़त्म हो गया। 17 का यहाँ से शुरू होकर फर्दर आपने ये भी लिखना है, इथेन है सिंगल बॉन्ड कैन नॉट अंडर गो एडिशन रिएक्शन। इथेन, इथीन नहीं, इथेन, एंड नो रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर आइडेंटिफाई इट इज इथेन। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। और ये रिएक्शन देख लें, ये प्रोपीन के साथ जो है ब्रोमीन का रिएक्शन है, डिकलराइजेशन है, ये जो है ब्रोमो डाई ब्रोमो प्रोपेन बन गया है। तो ये रिएक्शन भी आपका जो है आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। अब हम देखते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोहैलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन और हैलोजन, जैसे हमारे पास जो है हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, जैसे हमारे पास HBr है HCl है, जब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ इनको ऐड किया जाता है तो ये ऐड हो जाते हैं। ड्राई गैस हाइड्रोजन हैलाइड HI HR एंड HCl रिएक्ट विद एल्कीन्स टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड टूट रहा है और ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है, आपको देख रहे हैं ये इथेन हैलाइड बन गया, ये जो है इथेन ब्रोमाइड बन गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज HI HBr और HCl। और ये जो है रिएक्शन है प्रोपीन का HBr से, तो जो है ये आप देख रहे हैं इसमें ये एडिशन रिएक्शन हो गया है। इसमें रिएक्शन थोड़ा सा मैं आपको सही कर दूं,
ये सी एच थ्री, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये एच टू हो जाएगा और यहाँ पर बी आर आएगा, ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ये एच टू सी एच टू ये हो जाएगा। तो ये जो है आपके इसके रिएक्शन थे। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद के एम एन ओ फोर, जब के एम एन ओ फोर के साथ ऑक्सीडेशन होती है अल्कीन की, तो हमारे पास अल्कीन डीकलराइज द पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट बिकॉज द डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिएक्ट विद मैगनीज ऑक्साइड आइंस विच फर्दर गोज ऑन द टू फॉर्म मैगनीज ऑक्साइड एंड इथीन ग्लाइकोल वन टू इथेन डायोल सच एज देयर इज एडिशन ऑफ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एट डबल बॉन्ड। ये देखें इथीन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर थ्री का डी पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक टेस्ट ट्यूब सेल थ्री का पार्ट है। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं पोटाशियम परमैंगनेट के रैक कर रहे हैं, वाटर चार मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके पास इथीन ग्लाइकोल बन गया, यानी आप इसको कह सकते हैं वन टू इथेन डाइओल, ये मैगनीज ऑक्साइड बन गया, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज टू टेस्ट द अनसेचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो है हमारे यहाँ तक जो है ये इसके केमिकल रिएक्शन थे। आप इनको याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम।